एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता जी का एक संस्करण देखेंगे जो कि एक संस्था है गीता परिवार नाम से, इनकी ओर से आपको देखने को मिलता है। सरल पठनीय श्रीमद् भगवद गीता इस नाम से प्रकाशित होता है और देखिए गीता परिवार यहाँ लिखा गया है, कुछ इस प्रकार से ये संस्करण देखने में आता है। जो भी सनातन धर्म से जुड़े हुए साहित्य हैं उनको हम बारंबार देखते हैं, अधिकतर प्रयास करते हैं कि अलग अलग संतों द्वारा रचित पुस्तकें हम तक पहुँचें। तो उसी कड़ी में एक श्रीमद् भगवद गीता जी का संस्करण मुझे दिखाई दिया, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। अंदर देखिए, ये संस्करण आपको गीता परिवार की ओर से मिलता है और गीता परिवार के अध्यक्ष कौन है वह यहाँ पे लिखा गया है, परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज, जो कि कोषा अध्यक्ष भी हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए, अंदर देखिए, सरल पठनीय श्रीमद् भगवद गीता इस नाम से ये संस्करण देखने में आता है। और कितने का संस्करण है वह यहाँ पे लिखा गया है, 135 रुपये इस संस्करण का मूल्य है। यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, वेबसाइटें दी गई हैं और अभी तक इसकी 10,000 प्रतिलिपियाँ छप चुकी हैं। यहाँ पे देखिए, प्रास्ताविक करके कुछ निवेदन किया गया है प्रकाशक महोदय की ओर से। देखते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान पर चल रहे कौरव पांडवों के युद्ध में हतोत्साहित अर्जुन को फिर से जगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता कही। भगवान के मुखमंडल से निकले ये शब्द अपने आप ही मंत्र बन गए। भगवद गीता संस्कृत भाषा में होने से सामान्य जनों के लिए मूल पठन अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। जिनका संस्कृत पठन का थोड़ा भी अभ्यास नहीं, उनके उच्चारण में अनेक भूल होना भी स्वाभाविक है। गीता परिवार की ऑनलाइन गीता संस्था कक्षा आरंभ करते समय अनुस्वर एवं विसर्ग के उच्चारण, द्वित्व के चिन्ह तथा अर्थ एवं छंद बदले बिना यथासंभव संधि विग्रह पर लिखने से गीता साधकों को पठन सरल हो गया, ऐसा हमारा अनुभव रहा। इस प्रकार से ये शब्द दिए गए हैं, निवेदक हैं डॉक्टर संजय मालपाणी। इस संस्करण की शुरुआत हो जाती है। फिर है गीता महात्म्य, इसमें देखिए जो संस्करण है यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है कि जो लास्ट वाला वर्ड है इसको अलग अलग करके लिख दिया गया है, जिससे कि पढ़ने में आसानी। इस तरह से जो है सरल पठनीय गीता ये संस्करण मिलता है। जैसे कि यहाँ पे धृष्टराज उवाच करके है, इसमें धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युयोत्सवा माम का पांडवा शैव किम कुर्वा संजय। मैं अगर अपनी बताऊं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ समझ में तो आ नहीं पा रहा है कि किस प्रकार से पढ़ा जाए। जिस प्रकार से गीता प्रेस की ओर से किताबें आती हैं उनमें काफ़ी अच्छे तरह से जो है बता दिया जाता है। इस संस्करण से तो बढ़िया तत्व विवेचनी ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि अगर आप स्वयं से पढ़ते हैं तो समझ में आने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से ये संस्करण बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए, अध्याय 4 फिर 5 6 यहाँ पे साइड में चलते रहते हैं, 9 10 11 12 इस तरह से जो है ये संस्करण मिलता है। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको कितने प्रश्न मिलते हैं, जो कि है 144 नंबर पेज पे। तो 144 इसमें प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पे आके ये संस्करण समाप्त होता है। 135 रुपये का ये संस्करण मिलता है। लेकिन मैं अपनी ओर से आपके लिए सजेस्ट करूँ तो ये मुझे कोई ज़्यादा विशेष संस्करण लगा नहीं, इससे कहीं गुना बढ़िया संस्करण गीता प्रेस की ओर से प्रकाशित होते हैं। ये देखिए, छोटी सी मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता जी का संस्करण दिखा रहा हूँ गीता प्रेस की ओर से आने वाला, मात्र 50 रुपये का ये संस्करण है। देखिए कितना बढ़िया ग्रंथ है ये। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है। इसमें अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी है और वो अगर पढ़ना चाह रहा है श्रीमद् भगवद गीता जी के लिए, तो इन श्लोकों में आराम से पढ़ते समय उस व्यक्ति की रुचि बनी रह सकती है, जो कि इस संस्करण में मुझे प्रतीत नहीं होता कि अपने आप से कोई पढ़ पाएगा। यहाँ पे देखिए, इतने श्लोक हैं, कोई सा भी श्लोक यहाँ पे देख लेते हैं जो पूरा हो। देखिए यहाँ पे अगर इस श्लोक को देखो, ऊपर तो मूल श्लोक है और नीचे आप देखेंगे तो उस श्लोक को आराम से तोड़ तोड़ के लिखा गया है, जिससे आराम से पढ़ सकें। अगर यहाँ पे भी उच्चारण गलत होता है तो यहाँ पे हिंदी अर्थ भी दिया गया है और इन सबको आराम से आप पढ़ सकते हो। जैसे कि वीत राग भय क्रोधा मन माया मामुपाश्रिता वह वो ज्ञान तपसा पूता मदभाव भागधा। यहाँ पे भी देखिए, इस श्लोक को अगर कठिनाई हो रही है तो यहाँ पे तोड़ के पढ़ सकते हैं। वीत राग भय क्रोधा मन माया माम उपाश्रिता वह वा ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगधा। तो इस प्रकार से यहाँ से ये संधि विच्छेद पूरा यहाँ पे किया गया है और एक एक शब्द का क्या क्या अर्थ हो रहा है। जैसे कि वीत राग भय क्रोधा, इसका अर्थ है जिनकी राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और
उसके आगे देखिए मनमया लिखा है, तो मनमया का अर्थ है जो मुझमें अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं ऐसे। फिर देखिए माम मतलब मेरे, उपार्श था यानी आश्रित रहने वाले, वहवा मतलब बहुत से भक्त, और ज्ञान तपसा यानी ज्ञान रूप तप से, पूता मतलब पवित्र होकर, मद्भावम यानी मेरे स्वरूप को आगत है यानी प्राप्त हो चुके। तो इस प्रकार से साधारण पढ़ा लिखा भी व्यक्ति इसको आराम से पाठ कर पाएगा, और बहुत सस्ते आते हैं गीता प्रेस की ओर से ग्रंथ जो भी आते हैं। देखिए बहुत छोटी सी एक पुस्तक है मात्र 50 रुपये की, और बहुत अच्छे से समझाया गया है, काफ़ी बढ़िया तरह से गीता प्रेस की ओर से संस्करण आता है। तो मैं सोच रहा था कुछ विशेष है इस संस्करण में, सरल पठनीय गीता, लेकिन अगर आप स्वयं से पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लग पाता कि कोई इसको पढ़ पाएगा, कुछ ऐसा विशेष नज़र इसमें नहीं आया मुझे। तो अपनी रुचि के अनुसार मैं पुस्तकों को खरीदता रहता हूँ, तो उसी कड़ी में ये मैंने पुस्तक खरीद ली थी। और एक देखिए यह है त्रिरत्न गीता, अगर इसको देखेंगे तो ये भी इस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है। त्रिरत्न का मतलब है इसमें आपको श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र एवं श्री राम रक्षा स्तोत्र ये दोनों भी मिलेंगे, और आपको श्रीमद् भगवद गीता जी भी इसमें दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत ही होती है श्रीमद् भगवद गीता जी के साथ में। तो इस प्रकार से संस्करण है, इस प्रकार से दिया गया है। तो अगर आपको इस संस्करण को अगर इनके समझना है तो आवश्यकता पड़ेगी किसी सिखाने वाले की। आपको कैसे लगे आप भी बता सकते हो अपनी राय। संस्करण जो ईजी होते हैं उनको पढ़ने में भी थोड़ा आनंद आता है, जैसे कि गीता प्रेस की ओर से सरल गीता आती है, इसको आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी तरह से है, इसमें आराम से पाठ आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया गीता है। इस पर तो मैं स्वयं ही पाठ करता हूँ, बहुत बढ़िया ये गीता का संस्करण है। यहाँ पे मैंने ये वाला आपको दिखाई दिया। भाष्य पढ़ना है तो श्री ज्ञानेश्वरी आप पढ़िए, बहुत बढ़िया गीता प्रेस की ओर से आता है। गीता प्रबोधनी की देखिए बहुत, स्वामी राम सुखदास जी महाराज का ये छोटा वाला संस्करण है, इस पर आप पढ़ सकते हैं। बड़ा वाला संस्करण साधक संजीवनी ले सकते हैं या तत्व विवेचनी ले सकते हैं। ये देखिए भगवान रामानुजाचार्य जी का भाष्य है ये। ये देखिए एक और टीका पढ़नी है तो श्री धर स्वामी कृत भगवद गीता जी पे एक टीका है, इसको पढ़ सकते हैं, या फिर भगवान शंकराचार्य द्वारा ये भाष्य गीता प्रेस की ओर से मिल जाता है, इसको आप पढ़ सकते हो। और भी भिन्न भिन्न प्रकाशनों की गीताएं मेरे पास में हैं, और ये तो मैंने अभी कुछ संस्करण ही आपको दिखाए, छोटे बड़े संस्करण अगर आप देखेंगे तो कई संस्करण आप देख पाएंगे मेरे ग्रंथ संग्रह में मिल जाते हैं। तो उसी कड़ी में इन संस्करणों को भी मैंने खरीदा है अपनी रुचि पर, तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं बेहतर है, लेकिन इनको समझने का फर्क है। तो मित्रों आप बता सकते हो कौन सा संस्करण ज़्यादा बेहतर है। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में, ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।